हमें यहाँ आपके 2.3 में से कैसे क्वेश्चन आएंगे? एक तो यह तो आएगा आपके भाग दो और जांच करो, और यह दो क्वेश्चन अलग दिए हुए हैं, मतलब पहले आपके भाग पर दे रखा है, शेष पर दे रखा है और आपको भाजक ज्ञात करना है, या फिर ये आपके शून्यांक ज्ञात करने, दो दे रखे हैं और दो क्या करने हैं आपको ज्ञात करने। सबसे पहले भाग दो और जांच करो, जैसे मान लो पहले का दूसरा ही है, भाग दो और जांच करो आया हुआ भी एग्जाम में, तो देखो px तो दे रखा है कितना है आपके x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx दे रखा है आपके x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ये दे रखा है आपको। अब क्या करना है इसमें भाग दो क्या करनी है आपको जांच करनी है, तो जांच के लिए क्या करेंगे हम, देखो भाग पहले भाग दो भाग देंगे हम x स्क्वायर माइनस x, एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का दे रखा है आपके 4x प्लस का 5। वैसे सबसे पहले आती है घात 4, फिर घात 3, फिर घात 2, फिर 1, फिर 5, यहाँ दे नहीं रखा है तो थोड़ा गैप है, तो अगर इनके आ जाएगी तो हम यहाँ पर लिख देंगे, और क्या इधर क्या दे रखा है आपके x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, सही है माना संख्या को, पहले स्क्वायर आएगा फिर x आएगा फिर क्या आएगी आपके संख्या आएगी, इसमें से भाग दो कैसे भाग देंगे, यहाँ पर x की घात कितनी है आपके 4 है और यहाँ की घात कितनी है 2 है, दोनों में फर्क क्या है x की घात 2 का फर्क है, जो फर्क हो हर बार इसको मिलाना है, इसको इससे गुणा करो x की घात 4, यहाँ इस संख्या कितनी है कि इसको इससे गुणा करते ही बन जाए x की घात 4, अब इसको इससे गुणा करना है हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, इसको गुणा करना है एक से प्लस का एक्स स्क्वायर, हर बार तीन चेंज माइनस माइनस का प्लस प्लस का माइनस, ये कैंसिल। अब यहाँ है आपके माइनस एक्स की घात 3 और कितनी दे रखी है ये उतार लो, प्लस एक्स की घात 3, ये हो गए दोनों माइनस के, ये 3 और ये कितना हो गया आपके माइनस के 4x स्क्वायर, फिर है प्लस का 4 है और प्लस का 5, अब इसमें उसमें क्या फर्क है केवल एक्स का फर्क है, गुणा करो क्या आएगा एक्स क्यू, एक्स गुणा करेंगे एक्स से माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा करेंगे एक से एक्स इसका प्लस का, हर बार साइन चेंज, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, हर बार पहली संख्या घटेगी आपकी, पहली संख्या कट जाए ऐसा आपको यहाँ उत्तर लिखना है, फिर आपको 4 तो है माइनस का और 1 इसका है आपके प्लस का, 4 में से 1 गया 3x स्क्वायर, ज्यादा कौन सा है माइनस का, 4 में से 1 गया 3 है, ज्यादा कौन सा है प्लस का ज्यादा, फिर पीछे बचा है प्लस का 5, अब इसमें उसमें क्या फर्क है x का सेम है संख्या फर्क है माइनस 3, यहाँ लेंगे माइनस 3, गुणा करो कितना होता है माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 है, माइनस प्लस माइनस 3, हर बार चेंज चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये भी कट जाएंगे ये भी कट जाएंगे, पीछे कितना बचा है दोनों प्लस के हैं हो जाएंगे आपके 8, चेंज चेंज हो गया, अगर तो चेंज चेंज हो गया उसको आपको प्लस का ही मानना है। अब क्या करेंगे हम जांच करेंगे कि हमारा उत्तर सही है या नहीं, तो सर क्या याद करने का px बराबर gx इनटू qx प्लस rx, भाज्य संख्या बराबर भाजक इनटू भाग पर प्लस शेषफल, ये है px, ये है gx, ये है qx और ये हो गया है आपके rx, क्योंकि px जिस ऊपर दे रखा है आपके, तो px कितना है x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 बराबर gx, ये दे रखा है x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, जो भाग देता वो वाला ले लो, एक ही है दोनों, बस संख्या को थोड़ा आगे आगे पीछे किया हुआ है, qx जो उत्तर आया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और rx मतलब शेषफल। अब इसको इससे गुणा करना है, साथ में 8 जोड़ना है लास्ट में, तो आपके उत्तर क्या आएगा यही वाला,
तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखे हुए ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन और चौथी लाइन सबको उतार लो एक साथ, क्या हो जाएगा आपके x की घात 4 माइनस x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x की घात 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 प्लस 8। सारे सारे लगातार उतार लो, फिर ये वाला याद रख लो x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बस हो गया। ठीक जा रहे हो, ये माइनस का ये प्लस का काट बताओ क्या, मैंने ये सब मन से किया, ये टेस्ट का चार है और जो ये भी कट रहा है आपने। अब ये माइनस में क्या बचा है, तीन एक्स स्क्वायर, तीन और एक कितने हो गए प्लस का चार है, आठ में तीन बचे कितने बच गए आपके पांच, गुणा नहीं करना है यहाँ पर लिखे हुए गुणा करके, क्या करो गुणा, ये लिखे हुए वही लिख दो, गुणा करने की आपको जरूरत नहीं। अब देखो ध्यान दो, अब ये आपके एक होता है ऐसा सवाल दे रखा है आपके 2.3 का चौथा सवाल, ये भी आपके एग्जाम आया हुआ 3 नंबर में, इसमें आपके जीएस क्या करना है, देखो ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है जीएस दे रखा है, ये क्या करना है, हमें क्या करना है, जीएस और क्यूएक्स एक ही होता है, जैसे 2 में 10 का भाग दिया कितना आया है 5, और 5 से भाग दिया क्या आ जाएगा 2, मतलब जीएक्स बन जाता है क्यूएक्स और क्यूएक्स बन जाता है जीएक्स, एक ही बात है। सूत्र क्या है याद करने का, पीएक्स बराबर क्यूएक्स, क्या नाम है जीएक्स इंटू क्यूएक्स प्लस आर, पीएक्स मतलब जिसमें भाग देना है, मतलब क्या होगी आपके भाज्य संख्या, जिससे भाग लगाएंगे वो हो जाएगा आपके भाजक, जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा आपके भागफल, प्लस क्या हो जाएगा आपके क्षेत्रफल। अब देखो पीएक्स कितना दे रखा है आपके, पीएक्स मतलब जो संख्या भाज्य जिसमें भाग देना है वो दे रखा है आपके एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक जीएक्स, ये करना है हमें ज्ञात, क्यूएक्स मतलब भागफल क्वेश्चन, भागफल कितना दे रखा है आपके एक्स माइनस 2 और शेषफल दे रखा है आपके माइनस का 2x प्लस का 4। अब करेंगे पक्षांतर, पक्षांतर में पहले प्लस माइनस वाले बाद में गुणा भाग जाता है, देखो ध्यान दो ये है एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ये संख्या इधर आएगी यहाँ पर पूरी पूरी ले जा रहा है, पूरी पूरी इधर जाएंगे तो क्या होता है केवल सिंह चेंज होगा, मतलब ये माइनस का 2x है क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर हो जाएगा आपके जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो आपके पहले दोनों जो जो मिलती है सबको एक करो, कितना होता है ये तो होता है एक्स की घात 3, फिर ये भी स्क्वायर है क्यों सिंपल माइनस का 3x स्क्वायर, ये दोनों x है 2 और ये कितना हो गया 3x और 4 में से 2 गया 2, ज्यादा कौन सा है माइनस का, बराबर हो गया है जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ये गुणा में तो कितना जाएगा भाग में, तो जी एक्स का मान आएगा आप कितना x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये गुणा में है तो हो जाएगा भाग में, मतलब के इस संख्या में x माइनस 2 का भाग देने पर जो उत्तर आएगा वो क्या कहलाएगा जी एक्स, और इसमें शेषफल क्या आएगा आपके 0, क्यों आएगा सर 0, जो भी शेषफल इधर था आपने उधर भेज दिया है, अब कोई आपके शेषफल आने वाला नहीं है, कैसे नहीं आएगा, जैसे मैंने 12 में भाग दिया मैंने 5 का, उत्तर कितना आया आपके 2 और पीछे कितना बच गया आपके 2, अगर ये 2 शेषफल मैं इधर भेज दूं पीछे कितना बचेगा आपके 10, अब ये अब 10 बचा पीछे और यहाँ कितना बचा 5 और कितना बचा है आपके 2, ये 10 ये भी 10 है आपके, ये गाइड है और यहाँ क्या दे रखा है आपके जी एक्स, बुढ़ा किस में जाएगा आपके भाग में, तो जी एक्स का मान जाएगा 10/2 कितना आएगा 5 और भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि जो शेष पर था उधर भेज दिया है, तो वही बस वो संख्या लिखा हुआ और ये एक्स लिखा हुआ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, शेष उधर भेज दिया है, अब आप संख्या क्या हो गई है बिना शेष पर वाली हो गई, जिसमें भाग दो इसका
एक्स माइनस दो का भाग देंगे, एक्स की घात तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस दो, दोनों में क्या फर्क है, एक्स की घात स्क्वायर एक्स स्क्वायर फर्क है। अब गुणा करो इसके इससे भी इसको इससे भी, इसको गुणा कर क्या क्या आएगा आपके, एक्स की घात तीन माइनस इसको गुणा करेंगे दो से, दो एक्स स्क्वायर हर बार तीन चेंज माइनस प्लस, हर बार पहली संख्या घटेगी और ज्यादा हो सके तो अगली संख्या भी कट जाए लेकिन पहली संख्या तो जरूर कटेगी। तीन में से दो गया एक एक्स से घटा कौन सा है माइनस का, प्लस का तीन एक्स माइनस का दो, अब क्या फर्क है, एक तो तीन का और एक एक्स का फर्क, गुणा करो क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस दो एक्स हर बार तीन चेंज प्लस माइनस ये कट गया, तीन में से दो गया एक एक्स माइनस दो, क्या फर्क कोई फर्क नहीं है तो प्लस का एक लेंगे, गुणा करो एक्स माइनस हर बार तीन चेंज माइनस प्लस एक को गुणा करेंगे इससे वही संख्या आएगी, ये पूरे ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, क्या आएगा आपको जीरो, जी एस क्या आया ये आया है आपके जी एस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन, एक और बच गया है उदाहरण नंबर है आपके तीन, उदाहरण नंबर नौ है वो कल करवाएंगे।